हेलो एवरीवन, आई एम शमीम। आई वेलकम यू विद अ वेरी बिग हार्ट ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए इस टेंस को आज हम लोग विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहचान यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोई काम किया या किया था। रूल क्या है अफर्मेटिव का? रूल सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वी टू का मतलब है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। नेगेटिव का रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिडेंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आप जो डिडेंट देख रहे हैं, ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। डिड नॉट को आप एक साथ में बोलते हैं डिडेंट या फिर डिंट या फिर डिडेंट। इंटरोगेटिव का रूल लिखा हुआ है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच क्वेश्चन अगर रहेगा, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, तो आप लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव का रूल, डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस जो होता है, वह बाजार गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। वह बाजार गया तो एक मेल है, लिखते हैं ही। और यहाँ पे एक्शन क्या है, वह बाजार गया जाना, ये यहाँ पे काम है। वह बाजार गया, जाने का इंग्लिश होता है गो। और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। ही went to market, वह बाजार गया। वह बाजार नहीं गया, ये नेगेटिव वाला रूल लगाएंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक। आप लिखते हैं सब्जेक्ट ही, उसके बाद आप लिखते हैं didn't, he didn't, उसके बाद भी वन। एक्शन क्या है, जाने का काम है, जाना यहाँ पे काम है। वह बाजार नहीं गया, इस बार होगा भी वन, ही डिडंट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया। देखिए, जहां जहां आप देख रहे हैं डिड आ गया, डिड के बाद हमेशा भी वन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सिंपल पास्ट टेंस में, ये सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखे हैं, वहां का हेल्पिंग वर्ब होता है डू। डू एक मेल वर्ब भी है, डू मींस करना होता है। और ये भी वन है, इसका भी टू क्या होता है, डू का डिड होता है, ये पास्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिड, ये पास्ट टाइम को इंडिकेट कर देता है, इसलिए पास्ट टाइम को ये जब दिखा दिया तो फिर भी टू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, भी वन होगा। अब क्या वह बाजार गया, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, क्या वह बाजार गया। अब इंटरोगेटिव वाले से उठा लेते हैं डिड, ये यस नो क्वेश्चन है, इसमें कोई डब्ल्यू एच नहीं है। क्या वह बाजार गया, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। डिड, सब्जेक्ट क्या है, वह लिखते हैं ही, डिड ही। एक्शन क्या है, जाना है। देखिए, सबसे पहले लिखे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी वन लिखे, डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार नहीं गया। इस तरह का भी बात करते हैं हम लोग कभी कभी, नेगेटिव भी होता है और क्वेश्चन भी होता है। क्या वह बाजार नहीं गया, क्या वह झूठ नहीं बोला, क्या तुम मुझे परेशान नहीं किए, क्या वह बाजार नहीं गया। तो सबसे पहले आप लिखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला रूल, डिडंट ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं गया। वह बाजार क्यों गया, देखिए ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू एच क्या है, क्यों, क्यों आपको बताना पड़ेगा। वह बाजार क्यों गया, क्यों का इंग्लिश आप सबसे पहले लिखते हैं वाई, सबसे पहले डब्ल्यू एच है तो लगा दिए, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट क्या है, वह है, लिखते हैं ही, वाई डिड ही भी वन गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों गया। अब यहां पे अगर होता है, क्यों के जगह पे अगर होता है कब, वह बाजार कब गया, तो आप वाई के जगह में लगाते हैं, कब का इंग्लिश होता है वेन, आप लिखते हैं वेन, वाई हटा के, वेन डिड ही गो टू मार्केट, वह बाजार कैसे गया, कैसे का इंग्लिश आप लिख देते हैं हाउ, हाउ डिड ही गो टू मार्केट, वह बाजार किसके साथ गया, तो किसके साथ का आप इंग्लिश लिख देते हैं विद होम डिड ही गो टू मार्केट। वह बाजार क्यों नहीं गया, अब सबसे पहले लिखते हैं why, अब ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, वह बाजार क्यों नहीं गया, तो इसलिए नीचे वाला रूल में बनेगा
नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला वाई डिडेंट ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं गया। अब आइए और कुछ एग्जांपल है देख लेते हैं। तुम मुझे फोन किए थे ये अफर्मेटिव वाला है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं यू, अब उसके बाद है वी टू। यहाँ पे एक्शन क्या है, तुम मुझे फोन किए थे, फोन करना ये एक्शन है। फोन करने को आप बोलते हैं फोन, भी अपने आप में एक वर्ब है, फोन भी लिख सकते हैं फोन का, या फिर कॉल, यू कॉल्ड मी, तुम मुझे फोन किए थे, ये अफर्मेटिव वाला है। इसका अगर नेगेटिव आपको बनाना है तो कैसे बनाइए, यू कॉल्ड मी, तुम मुझे फोन किए थे, तुम मुझे फोन नहीं किए थे, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे यू डिडेंट कॉल मी, तुम मुझे फोन नहीं किए थे, क्या तुम मुझे फोन किए थे, तो फिर आप सबसे पहले लिखते यहाँ पे डिड यू कॉल मी, क्या तुम मुझे फोन किए थे, क्या तुम मुझे फोन नहीं किए थे, डिडेंट यू कॉल मी, तुम मुझे फोन क्यों किए थे, तो सबसे पहले आप लिखते हैं व्हाई डिड यू कॉल मी, तुम मुझे फोन क्यों किए थे, तुम मुझे फोन क्यों नहीं किए थे, व्हाई डिडेंट यू कॉल मी, तुम मुझे फोन क्यों नहीं किए थे। अगर होता तुम मुझे फोन कब किए थे, आप सबसे पहले लगा देते व्हेन डिड यू कॉल मी, तुम मुझे फोन कब किए थे, तुम मुझे फोन कैसे किए थे, फिर आप लगा देते हाउ डिड यू कॉल मी, तुम मुझे फोन कैसे किए थे, क्या तुम सर से मिले। सबसे पहले आप समझिए ये किस तरह का सेंटेंस है। देखिए इंटरोगेटिव है, इसका आपको जवाब, ये क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव है, और इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, क्या तुम सर से मिले। तो सबसे पहले आप लिखते हैं डिड, इसमें कोई डब्ल्यू एच नहीं है, डिड यू, तुम है तो यू लिख दिए। अब एक्शन क्या है, क्या तुम सर से मिले, मिलना यहाँ पे एक्शन है, मिलने का इंग्लिश होता है मीट, डिड यू मीट किससे है, सर से, डिड यू मीट सर, क्या तुम सर से मिले। क्या वह झूठ नहीं बोला। सबसे पहले आपको तो सेंटेंस को पकड़ना है कि यह कैसा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव इतना तो पकड़ में आता है, क्या वह झूठ नहीं बोला, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। इंटरोगेटिव है प्लस नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, तो सबसे पहले आप उठाते हैं यहां से डिडेंट, वह है तो आप लिखते हैं ही डिडेंट, उसके बाद आप लिखे ही, उसके बाद होगा एक्शन, एक्शन क्या है, झूठ बोलना, झूठ बोलने का इंग्लिश होता है टेल अ लाई, क्या हुआ झूठ नहीं बोला, क्या तुमने कहा, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, क्या तुमने कहा, आप कह सकते हैं हाँ नहीं तो नहीं, क्या तुमने कहा, तो सबसे पहले आप लिखते हैं डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, डिड यू कहना का इंग्लिश होता है से, क्या तुमने कहा, तुमने क्या कहा, इस बार आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इस बार आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कहे, तुमने क्या कहा। तो यहाँ जब भी देखिए क्या अगर बीच में आ गया सब्जेक्ट के बाद तो यो यस नो क्वेश्चन नहीं होता है, फिर उसका आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या का इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा वॉट, दो डिफरेंस, एक तो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, दूसरा क्या सब्जेक्ट के बाद में आता है। सबसे पहले आप लगाते हैं व्हाट, तुमने क्या कहा, डब्ल्यू एच लगा दिए, उसके बाद होगा डेड, व्हाट डेड, सब्जेक्ट क्या है यू, व्हाट डिड यू, अब एक्शन क्या है, तुमने क्या कहा, से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, हम लोग कुछ नहीं खाए, एक ऐसा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम लोग कुछ नहीं खाए, तो इसमें बना लेते हैं नेगेटिव वाले, हम लोग का होता है वी, उसके बाद लगाएंगे डिडेंट, वी डिडेंट, अब यहाँ पे खाना ये एक्शन है, अब लिखते हैं ईट, वी डिडेंट ईट एनीथिंग, हम लोग कुछ नहीं खाए। देखिए कुछ का इंग्लिश एनीथिंग भी होता है और समथिंग भी होता है, समथिंग होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे हम लोग कुछ खाए, अगर ऐसा होता तो लिखते वी एट समथिंग, हम लोग कुछ नहीं खाए, वी डिडंट ईट एनीथिंग, नेगेटिव में एनीथिंग होता है, पॉजिटिव में समथिंग होता है। आप मुझे क्यों डांटे, ये इंटरोगेटिव है और डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी है, क्यों, ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो
तो सबसे पहले आप क्यों का इंग्लिश लिखते हैं वाई। अब डब्ल्यू एच वाला रूल देखिए, सबसे पहले वाई लिख दिया, उसके बाद होगा डेट, आप लिखते हैं डेट। सब्जेक्ट क्या है आप, उसके लिए लिखते हैं यू। वाई डिड यू, आप मुझे क्यों डांटे, डांटना यहाँ पे एक्शन है, डांटने का इंग्लिश होता है स्कॉल्ड, SCOLD, या फिर चाइड भी होता है CHID, ये भी होता है, चाइड मीन्स भी होता है डांटना। वाई डिड यू स्कॉल्ड, अब मुझे है तुम मी, वाई डिड यू स्कॉल्ड मी। वह अच्छा खेला, वह अच्छा खेला ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे ऊपर वाला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वह अच्छा खेला, वह के लिए आप लिखते हैं ही, उसके बाद V2 क्या है यहाँ पे खेलना है, ही प्लेड वेल, वह अच्छा खेला। देखिए वर्ब को जब भी डिफाइन करेगा ना तो वहां पे वेल होगा, जैसे वह अच्छा खेला ही प्लेड वेल, जैसे आप अच्छे हैं मैं बोलूंगा यू आर गुड, लेकिन आप अच्छा लिखते हैं यू राइट गुड नहीं हो सकता है, यू राइट वेल। वर्ब को जब भी मॉडिफाई करेगा वो वेल करेगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।